हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के लेक्चर में जो बताए थे मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस में सिंपल एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग एरियाज वॉल्यूम्स, इसके बारे में बता रहे थे। थोड़ा सा टफ तो है ही, ऐसे तो इंटीग्रेशन जो है थोड़ा टफ होता है, उसमें भी डबल इंटीग्रेशन उससे भी टफ होता है, और उससे भी ज़्यादा टफ होता है उसका एप्लीकेशन जो कि एरिया और वॉल्यूम का है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा, एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगी। इसीलिए तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे कि प्रैक्टिस करने में आपको सुविधा हो, और कोशिश में है कि इतना में ही से आपको इतना ही क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन देने की कोशिश किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और स्टैंडर्ड भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कल बोले थे कि ये बनाएंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड एबव बाय द पैराबोलिक सिलेंडर। एबव ऊपर में पैराबोलिक सिलेंडर है, जेड इजकल्स टू 4 - y² एंड बाउंडेड बिलो बाय द इलेप्टिक पैराबोलाइड, जेड इजकल्स टू x² + 3y² है। दोनों जेड है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों जेड मिल करके ये इंटरसेक्ट करता है कर्व में, तो इसका क्या प्रोजेक्शन हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में, सो हम निकालेंगे उसको। तो द टू सरफेसेस, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, द टू सरफेसेस इंटरसेक्ट इन ए स्पेस कर्व हुज प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन इज द इलिप्स, क्या हो जाएगा इसका एक्स वाई प्लेन में, यानी जेड इजकल्स टू 4 - y² एंड जेड इजकल्स टू है x² + 3y² और जेड के जगह पर हम दे देंगे x² + 3y² = 4 - y², ये हो जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं, और इसको इधर कर लेते हैं, x² + 4y² हो जाएगा = 4। इसी को हम लिख सकते हैं, और 4 से डिवाइड कर दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा x² / 4 + y² / 1 कर दीजिए = 1 हो गया। क्लियर है, ये हमारा ये a हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, x² / a² + y² / b² हो गया। तो a के जगह पर क्या होगा 2 का स्क्वायर, अब b के जगह पर 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा इलिप्स आ गया हमारा। तो पुट क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, बनाने का मेथड भी उसी में छुपा हुआ रहता है। पुट x = 2r cos θ एंड y = क्यों 2r हुआ, क्योंकि a स्क्वायर है, a cos थीटा होता है, तो 2 हो जाएगा, r 2r हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया r cos थीटा, y का r cos थीटा, 2r cos थीटा और r sin थीटा। b है क्या a cos थीटा, ar cos थीटा, a cos थीटा हो गया, a हो गया हमारा 2r, आई हो गया b, हो गया r, b sin थीटा। क्लियर है, अब ये हो गया द इलिप्स,
becomes the ellipse becomes r square is equals to 1 r square is equals to 1. Clear hai? Now z is equals to phi 1 x दो दिया हुआ है फाइव वन एक्स दिस इज इक्वल टू क्या होगा फोर माइनस वाई स्क्वायर एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू फाइव टू इसको मान लेते हैं फाइव टू एक्स इज इक्वल टू क्या दिया दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर देयर फोर फाइव वन एक्स फाइव वन एक्स माइनस फाइव टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस करेंगे तो उसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर यही हो जाएगा क्या फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसी को हम लिख सकते हैं फोर माइनस दिस इज इक्वल टू फोर इंटू वन माइनस आर स्क्वायर वन माइनस आर स्क्वायर कर सकते हैं इसको वन माइनस आर स्क्वायर कैसे हो जाएगा ये देखिए पहले इसको निकालते हैं हम ये टू आर कैसे एंड जे इज इक्वल टू एंड जे इज इक्वल्स टू जे कैपिटल जे जैकोबियन है जे जे इज इक्वल्स टू डेल एक्स वाई बाय डेल आर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डेल एक्स बाय डेल एक्स बाय डेल आर इसी तरह से इसको बनाते जैकोबियन बनाते डेल एक्स बाय डेल आर एंड डेल वाई बाय डेल एक्स बाय डेल थीटा डेल एक्स बाय डेल थीटा फिर हो जाएगा डेल वाई बाय डेल आर और दूसरा हो जाएगा डेल वाई बाय डेल थीटा डिटर्मिनेंट होता है इसका ये निकलता है कैसे अब यहाँ जगह डेल एक्स बाय डेल आर डेल एक्स बाय डेल आर एक्स के बदले में क्या आर के रिस्पेक्ट में डेल एक्स बाय डेल आर क्या हो जाएगा टू डेल आर बाय डेल आर हो जाएगा टू कॉस थीटा हो जाएगा ये दिस इज इक्वल टू हो जाएगा टू कॉस थीटा डेल एक्स बाय डेल आर निकालेंगे एक्स जो पुट किए हैं इसमें एक्स पुट किए हैं और वाई पुट किए हैं एक्स इक्वल टू टू आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा एक्स इक्वल टू टू आर कॉस थीटा क्योंकि एक्स का यहाँ इसके अनुसार हम पुट किए हैं ये है इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय फोर है तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है तो ए साइन थीटा एक एक कॉस थीटा पुट करते तो यहाँ क्या हो जाएगा टू आर और यहाँ आर हो जाएगा तो इसका होगा टू कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस टू साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा डेल एक्स बाई थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा टू आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा तो टू आर साइन थीटा अब इसका डेल वाई बाई डेल आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा केवल हो जाएगा आ इसका निकालेंगे फिर डेल वाई बाई डेल थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा टू आर दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टू आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा टू आर साइन स्क्वायर थीटा तो टू आर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है वन, दिस इज इक्वल टू टू आर, ये टू आर हो गया। सिंस द, अब लिखेंगे सिंस द सॉलिड इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों पर है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस कर सकते हैं। देयरफॉर वी इज इक्वल टू, देयरफॉर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फोर टाइम्स हो जाएगा वी, जीरो टू पाई बाई टू, इसका थीटा क्या कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसका जाएगा यहाँ जीरो से लेकर के वन तक जाएगा, क्योंकि यहाँ ये एलिप्स का यहाँ क्या है वन है, जीरो से लेकर के वन जाएगा। और इसका जेड कितना निकला है हमारा, ये दिस इज इक्वल टू जेड है, ये जेड इज इक्वल टू, यानी ये फंक्शन इतना है, ये जेड इज इक्वल टू हो गया, देयर फोर जेड इज इक्वल टू उतना आ जाएगा फोर इंटू वन माइनस आर, फोर इंटू वन माइनस आर स्क्वायर टू आर, आर का जगह पर टू आर होगा, डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा, क्लियर है, टू आर डी थीटा हो जाएगा। अब आगे इसका देखते हैं, पीछे में लाए थे यहाँ पर, ये भीज कस टू फोर इंटू जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू वन फोर माइनस फोर इंटू वन माइनस आर स्क्वायर टू आर डी थीटा, तो ये हो गया फोर फोर या सिक्सटीन टू या थर्टी टू, बाहर कर लिए, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दे, आर माइनस आर क्यूब डी आर, डी आर के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी आर के थर्टी टू जीरो टू पाई बाई टू हो गया, आर इसका आर माइनस आर क्यूब डी आर, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू और आर टू द पावर फोर बाई फोर वन टू जीरो डी थीटा, ये हो गया थर्टी टू, और ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन बाई टू और माइनस जीरो, तो जीरो लिखना जरूरी नहीं है, तो वन बाई टू हो गया इसका, इसका हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा वन टू दी पावर फोर बाई फोर वन बाई फोर और माइनस जीरो, तो वन बाई फोर लिख दिए केवल, यहाँ आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू डी थीटा, थीटा का इसका निकल जाएगा फोर एट जा थर्टी टू हो गया, और ये हो गया थीटा का पाई बाई टू माइनस जीरो, तो पाई बाई टू लिख दिए और टू फोर जा एट यानी फोर पाई आंसर हो गया, क्लियर है, फोर पाई आंसर इसका हो गया, ज़्यादा भारी नहीं है, ईजी है, समझ में आ गया होगा, ये यानी ये प्रोजेक्शन है, दो सरफेस दिया हुआ है, दो सरफेस दिया हुआ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड अबव बाय द पैराबोलिक सिलेंडर जेड इक्वल टू फोर माइनस वाई स्क्वायर एंड बाउंडेड बिलो बाय द एलिप्टिक पैराबोलिक, मतलब अबव भी और बिलो दोनों बाउंडेड है, और किससे, जेड से, जेड फोर माइनस वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, इसी से दोनों से बंधा हुआ है, तो लिखेंगे द टू सरफेसेस इंटरसेक्ट इन ए स्पेस कर्व हुज प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन, एक जेड जेड दिया हो तो एक्स वाई प्लेन पर होगा, क्योंकि जेड जीरो हो जाएगा तभी इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो जेड जीरो करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा, इसलिए इज द इलिप्स क्या हो जाएगा, जेड इसका फोर माइनस वाई स्क्वायर और जेड इसका टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएगा, जेड जेड इक्वल है, तो इसलिए ये दिस इज कस टू दिस हो जाएगा, तो इसको इधर कर लेंगे वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इसका टू फोर हो जाएगा, अब इसमें फोर से डिवाइड कर दिएगा तो एक्स स्क्वायर फोर प्लस वाई स्क्वायर वन इसका टू वन हो गया, यानी इलिप्स हो गया, इन टू डायमेंशन का इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इसका टू वन, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है टू का स्क्वायर है, और यहाँ ये आर आर स्क्वायर केवल कर गए टू आर, और ये आर टू आर का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर हो जाएगा, तो ये पुट करेंगे क्या एक्स इसका टू आर कॉस थीटा, क्लियर है, एक्स इसका टू टू आर कॉस थीटा,
और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जेड, इसको एक एक्स एक्स फाइव वन एक्स मान लेंगे, दूसरा को फाइव टू, ये फाइव टू है, फाइव टू एक्स मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर दोनों को, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना इतना आ जाएगा फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री फोर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर माइनस फोर इंटू वन माइनस आर स्क्वायर, यानी फोर माइनस फोर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये फोर माइनस फोर आर स्क्वायर, फोर माइनस फोर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फोर कॉमन ले लेंगे, फोर माइनस फोर आर स्क्वायर तो फोर कॉमन ले लेंगे इसका, तो ये इतना आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, ये इसका डेल एक्स बाई डेल आर, इसको जैकोबियन निकालना होगा, तो जैकोबियन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा टू आर निकल गया जैकोबियन, तो यहाँ जैकोबियन जे देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला में, जे लिखते हैं जैकोबियन, तो यहाँ जैकोबियन देना जरूरी था, जैकोबियन कितना निकलेगा सो देख लेना था, तो यहाँ होता है जेड इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन रीजन आर जेड जेड, उसके बाद क्या रहता है जैकोबियन आर डी आर डी थीटा होता है, जैकोबियन डी आर डी थीटा होता है, तो जैकोबियन के बदले में निकालना पड़ा हमको जैकोबियन, और डेल डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा निकालना पड़ा, तो टू आर निकला इसका, तो ये सब मल्टीप्लाई करके इधर हम ये 32 हो गया, इधर ये क्या किए आर माइनस आर क्यूब डी आर आर से मल्टीप्लाई करके इतना हो गया, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा पावर वन है तो आर स्क्वायर बाई टू आई, इसका पावर थ्री है तो थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, इसका लिमिट पुट करेंगे तो वन बाई टू माइनस वन बाई फोर आ जाएगा, डी थीटा का बचेगा डी थीटा, डी थीटा का निकलेगा थीटा, इसका करके इतना आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं सेवन पर, क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय एक्स वाई प्लेन, द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, तो इसमें क्या होगा वी हैव टू इंटीग्रेट जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जेड इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स माइनस वाई ओवर द सर्कल, यही दिया हुआ है ओवर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, सो दैट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, द इंटीग्रांड रिड्यूसेस टू, तब इंटीग्रांड क्या हो जाएगा द इंटीग्रांड इंटीग्रांड रिड्यूसेस टू क्या हो जाएगा थ्री जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जेड इक्वल्स टू थ्री माइनस एक्स के बदले में क्या देंगे आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, यही हो जाएगा हमारा क्या थ्री माइनस आर इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यही हो जाएगा जेड एंड द सर्कल एंड द सर्कल क्या है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन रिड्यूसेस टू टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है तो ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू वन हो जाएगा, ये हेंस
टू कवर द हाफ ऑफ द रीजन, हाफ ऑफ द रीजन क्या हो जाएगा? आर वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, आर वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो टू वन, जीरो टू वन एंड एंड थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम वेरीज फ्रॉम जीरो से लेकर के कहाँ तक, जीरो टू पाई बाय टू जाएगा। देयर फोर भीज कष्ट क्या आ जाएगा, फोर सर्कल है और ये सिलेंडर का सर्कल है तो ये फोर आ जाएगा, फोर क्वाड्रेंट चारों क्वाड्रेंट में रहेगा, तो फोर क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये आ गया जीरो टू पाई बाय टू, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको घेर देते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू वन, जेड के बदले हम क्या लिखेंगे, थ्री माइनस आर इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया जेड के बदले में, और आर डी आर इसको घेर दीजिए, डी थीटा बाहर कर लेते हैं, क्लियर है, जीरो टू वन आर के लिए है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये अलग अलग कर देते हैं, दिस इज कल्स टू हो गया फोर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन थ्री आर का हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा थ्री आर का, आर के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो थ्री आर का निकलेगा हमारा इंटीग्रेशन थ्री आर स्क्वायर, थ्री आर स्क्वायर बाई टू माइनस इसका आर का निकलेगा, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का निकल जाएगा क्या, आर पावर थ्री बाय थ्री इन टू, ये तो कांस्टेंट टर्म रहेगा बाहर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा जीरो टू वन डी थीटा। डायरेक्ट निकला है इसका, क्या डायरेक्ट निकला है, आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई के थ्री आर, थ्री तो कांस्टेंट है तो आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाय टू, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कांस्टेंट है तो आर इंटू आर, आर आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आर क्यू बाय थ्री, आर पर पावर टू प्लस वन थ्री हो गया, टू प्लस वन थ्री, तो ये वन टू जीरो हो जाएगा। किसमें पुट होगा लिमिट, लिमिट पुट होगा आर में, अपर लिमिट केवल पुट होगा, लोअर लिमिट तो जीरो है, तो अपर लिमिट केवल पुट होगा फोर इंटू जीरो टू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा थ्री बाई टू, आर स्क्वायर के बदले में वन स्क्वायर बाई टू, और माइनस जीरो तो जीरो लिखना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस ये हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर है, यहाँ तक ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, क्या दिस इज कल्स टू क्या आया था, थ्री बाय फोर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, और ये आ गया थ्री बाय टू माइनस वन बाय थ्री इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, इतना ही आया था। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर दीजिए माइनस में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 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 जा फोर कट जाएगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू डी थीटा माइनस ये फोर बाई थ्री हो जाएगा, फोर बाई थ्री साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन थीटा
डी थीटा, और इसका आ जाएगा माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये 4/3 रहेगा ही, कॉस थीटा डी थीटा अलग अलग कर दिए, तो इसी का हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 × ये हो जाएगा थीटा π/2 0 माइनस 4/3, इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 4/3, ये हो जाएगा इसका हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस कॉमन ले लिए हैं साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, इसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्लियर है। 4/3 कॉमन ले लिए हैं, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह माइनस कॉमन है ही, क्लियर है। नहीं तो इसको इस तरह से कर सकते हैं 6 थीटा 0 to π/2 माइनस 4/3, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to π/2 लिमिट, क्लियर है। अभी माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ही तो एक प्लस आएगा, एक ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस ये माइनस रहेगा साइन, और ये प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ माइनस किए हैं 0 to π/2, क्लियर है। अब यहाँ आ जाएगा 6 × π/2 माइनस 4/3, और ये हो जाएगा π/2 1, और ये हो जाएगा 0 π/2, यानी साइन π/2 क्या हो जाएगा साइन π/2 1, और माइनस साइन 0 0, तो ये केवल 1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा कॉस π/2 कॉस, ये प्लस हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी ये माइनस हो गया, ये माइनस साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस मल्टीप्लाई किए, इसीलिए ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो जाएगा, क्लियर है। प्लस तो ये 1 प्लस, और ये हो जाएगा कॉस π/2 0, और माइनस माइनस कॉस 0 1, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस था ही, ठीक है, माइनस 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 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा ही, ठीक है। अब आ गया थे सही, इसका होता है साइन का माइनस कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका, क्लियर है। माइनस 4/3 और प्लस माइनस माइनस 4/3 कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा का हो गया 4/3, आ ये हो जाएगा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, आ ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा, ये माइनस रहेगा ये, ठीक है। अब ये माइनस हम अगर कॉमन लेते हैं, माइनस कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये माइनस रहेगा ही, तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस पाई बाई टू, ये हो गया इसको फिर से करते हैं, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया है माइनस प्लस का, दिस इज इक्वल्स टू फोर इंटू थ्री बाई टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स, सिक्स जीरो टू पाई बाई टू डी थीटा, इससे मल्टीप्लाई हुआ इतना, थ्री बाई टू इंटू फोर तो हो गया सिक्स, और ये डी थीटा से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, माइनस आई फोर इंटू वन बाई थ्री, फोर बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, और ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका हो जाएगा सिक्स, और ये हो जाएगा थीटा जीरो टू पाई बाई टू माइनस फोर बाई थ्री, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या चीज़, कॉस थीटा का साइन थीटा, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन, ये हो जीरो टू पाई बाई टू, क्लियर हो गया, सीधा हो गया इसका, हो गया अब ये इसका लिमिट पुट कर देंगे, सिक्स इंटू पाई बाई टू माइनस जीरो, तो पाई बाई टू केवल लिखेंगे, फोर बाई थ्री, और ये हो इसका हो गया लिमिट साइन पाई बाई टू माइनस जीरो, साइन पाई बाई टू माइनस जीरो, साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो, यही लिमिट होगा इसका, दिस इज इक्वल्स टू हो गया थ्री पाए, सिक्स पाई बाई टू यानी थ्री पाए माइनस फोर बाई थ्री, और ये हो गया साइन पाई बाई टू वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो और माइनस कॉस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस नाइन्टी डिग्री जीरो होता है, जीरो और माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू हो गया, अब एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, थ्री पाई माइनस फोर बाई थ्री, ये हो गया वन और माइनस वन माइनस वन प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू थ्री पाई माइनस फोर और वन वन टू, फोर टू जा एट, एट बाई थ्री, यही आंसर हो गया, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, सिंपल है, ज़्यादा भारी नहीं है, फाइंड द वॉल्यूम कॉमन टू द सिलेंडर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स और वाई से ये रिलेशन क्या है, एक्स वाई प्लेन में और एक्स जेड प्लेन से ये रिलेटेड है, तो इसका कहता है वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए, तो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो पहले तो ये हो जाएगा, अगर एक्स वाई जीरो करते हैं तो एक्स का क्या हो जाएगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका जीरो टू ए हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, और इसका हो जाएगा जीरो टू ए स्क्वायर, वाई का क्या हो जाएगा जीरो टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जीरो टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड का क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स इसका टू जीरो, तो इसका हो जाएगा वाई जीरो करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा एक्स इसका टू, एक्स इसका टू जीरो, देन वाई इसका टू क्या हो जाएगा ए, और एक्स इसका टू जीरो, और वाई जीरो अगर करते हैं तो आ जाएगा एक्स इसका टू ए, एंड वाई जीरो करेंगे तो हो जाएगा एक्स इसका टू ए, और एक्स जीरो किए तो एक्स का
वाई जीरो करना होगा, तो वाई जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर टू क्या हो जाएगा वैल्यू, वाई जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर टू ए, तो वाई का वैल्यू फिर, तो वाई का वैल्यू निकालेंगे हम, तो वाई का वैल्यू निकाल के तो जीरो, तो जीरो से लेकर के फिर क्या हो जाएगा वाई जीरो किए हैं तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, वाई का वैल्यू, तो फिर वाई का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा, तो वाई का वैल्यू निकलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, सब पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर टू ए वाई स्क्वायर टू जीरो, तो वाई स्क्वायर टू जीरो तो वाई का वैल्यू इतना आएगा, एक्स स्क्वायर टू ए वाई स्क्वायर टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर टू ए आएगा, और फिर वाई का वैल्यू निकालेंगे कितना, देयर फोर वाई स्क्वायर टू, देयर फोर वाई स्क्वायर टू, तो यह हमारा दो लिमिट हो गया, जीरो से ए और जीरो से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक हो गया, क्लियर है। और ये हो गया जेड एंड एंड जेड इज इक्वल्स टू क्या हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयर फोर वी इज इक्वल्स टू देयर फोर वॉल्यूम रिक्वायर्ड, देयर फोर रिक्वायर्ड वॉल्यूम भी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एट टाइम्स हो जाएगा, फोर टू जा एट टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए कॉमन है, फाइंड द वॉल्यूम कॉमन टू द सिलेंडर्स, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर टू ए स्क्वायर, दो है इसका, दो सरफेस है ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दो प्लेन है, तो इसीलिए इसका फोर टू जा एट हो जाएगा, अपर और लोअर दोनों हो जाएगा इसका जीरो टू ए, और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जेड का वैल्यू जेड जेड डी वाई डी एक्स, क्लियर है, इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। नाउ देयरफॉर v इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एट इंटू जीरो टू ए, और इसको घेर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है वेरिएबल तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और जेड का वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा ये इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है और dx एक्स यहाँ रह जाएगा, क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे, 8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसका केवल कितना हो जाएगा, केवल dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा, dy का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन y 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रह जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है केवल dy वाई वेरिएबल है, और dy का हो जाएगा हमारा इतना y, तो अब लिमिट पुट कर देते हैं 8 इंटू जीरो टू ए और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा रूट अन इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट हो गया माइनस जीरो हो जाएगा, तो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा क्या चीज़, दिस इज इक्वल्स टू 8 इंटू जीरो टू ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको अलग अलग कर सकते हैं 8 जीरो टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म है डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 8 इंटीग्रेशन जीरो टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 8 ए स्क्वायर, और ये हो गया x 0 टू a माइनस 8, और ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3 0 टू a, दिस इज इक्वल टू हो गया 8 ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 0 ए लिखेंगे केवल, और माइनस 8 बाय 3 ए क्यूब, तो ये हो जाएगा क्या 83 जा यानी 24 ए क्यू माइनस 8 ए क्यू बाय 3
एलसीएम ले लिए, ए क्यू हो गया ए क्यू, तो ये हो जाएगा कितना 16 ए क्यू बाय 3, यही आंसर हो गया। क्लियर है? सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इजी, क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव डैट, इंपॉर्टेंट भी है, प्रूव डैट इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, प्रूव डैट द वॉल्यूम इनक्लोज्ड, प्रूव डैट द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका टू टू ए एक्स एंड जेड स्क्वायर इसका टू टू ए एक्स इज 128 ए क्यू बाई 15, ये प्रूव करना है हमको। तो लिखेंगे, टू फाइंड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम जेड इजकल्स टू, क्या हो जाएगा, जेड इजकल्स टू, जेड स्क्वायर है टू ए एक्स, जेड इजकल्स टू रूट अंडर टू ए एक्स इज टू बी इंटीग्रेटेड, इज टू बी इंटीग्रेटेड ओवर द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल्स टू टू ए एक्स इन द एक्स वाई प्लेन। नाउ पुट एक्स इजकल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इजकल्स टू आर साइन थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में है साइन थीटा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जाएगा, टू ए कॉस थीटा, यह हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका टू, यही पहले इसको करते हैं जीरो टू पाई बाई टू, आर वेरीज फ्रॉम, ये हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसका टू टू ए एक्स इसका टू टू ए आर कॉस थीटा, अभी हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा वन इसका टू टू ए आर कॉस थीटा, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा टू ए आर कॉस थीटा, आर आर कैंसिल देयर फोर आर इसका टू क्या हो गया टू ए कॉस थीटा, टू ए कॉस थीटा, तो एक हो गया हमारा क्या लिमिट हो गया जीरो टू टू ए कॉस थीटा, दूसरा लिमिट हो जाएगा लिखेंगे आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू टू ए कॉस थीटा एंड थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, क्लियर है? अब देयरफॉर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज टू द रिक्वायर्ड वॉल्यूम भी इज टू, फोर टाइम्स हो जाएगा ये क्योंकि इनक्लोज्ड है, अपर और लोअर दोनों हो जाएगा फोर टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू, क्योंकि वन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई टू लिए हैं और जीरो टू पाई बाई टू, और नेक्स्ट हो जाएगा जीरो टू टू ए कॉस थीटा,
और ये हो जाएगा जेड, क्या हो जाएगा हमारा जेड इसका टू रूट अंडर टू ए आर कॉस थीटा। ए एक्स के बदले में ये लिखेंगे, एक्स के बदले में क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा, टू ए आर कॉस थीटा, टू ए आर कॉस थीटा हो गया ये, और आर डी आर डी थीटा, यही वॉल्यूम हो गया। अब ये निकल जाएगा दिस इज कस टू फोर रूट टू ए, रूट टू ए बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा रूट आर, और ये हो जाएगा रूट कॉस थीटा आर डी आर, आर डी आर डी थीटा। इसको अब अलग अलग करेंगे क्या आ जाएगा, फोर रूट टू ए, फोर रूट टू ए इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू, रूट कॉस थीटा कांस्टेंट टर्म है, रूट कॉस थीटा कांस्टेंट टर्म को कर लिए इधर, और ये हो जाएगा हाफ आइए वन तो हो जाएगा थ्री बाई टू, इसको घेर देते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए कॉस थीटा, तो आर पर पावर रूट मतलब हाफ, पावर क्या है आर पर पावर हाफ, आ यहाँ आर पावर वन है तो दोनों मिला के वो हाफ प्लस वन क्या थ्री बाई टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू ए कॉस थीटा आर पर पावर थ्री बाई टू डी आर डी थीटा, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट। अब हो जाएगा यहाँ, अब इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू आर थ्री बाई टू है तो क्या हो जाएगा आर थ्री बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू एट फोर रूट टू ए, पहले तो फोर रूट टू ए इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू रूट अंडर कॉस थीटा, इसका निकल जाएगा क्या आर थ्री बाई टू है तो आर थ्री बाई टू प्लस वन फाइव बाई टू हो जाएगा आर पर पावर, और नीचे भी फाइव बाई टू जीरो टू टू ए कॉस थीटा डी थीटा, दिस इज कस टू क्या हो जाएगा ये टू ऊपर चला जाएगा फाइव नीचे तो फोर टू जाए एट रूट टू ए बाय फाइव, और इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा टू ए कॉस थीटा, यानी टू ए पर पावर क्या हो जाएगा फाइव बाई टू, टू ए पर पावर फाइव बाई टू, और कॉस थीटा पर कितना पावर रूट कॉस थीटा इंटू रूट कॉस थीटा ये रहेगा, और ये हो जाएगा ये कॉस थीटा पर पावर फाइव बाई टू डी थीटा, इतना ही आएगा, माइनस जीरो तो ख़त्म है, माइनस जीरो लोअर लिमिट तो जीरो हो जाएगा, दिस इज कस टू क्या हो गया एट बाय फाइव, एट बाय फाइव रूट टू ए, और इसका हो जाएगा ये भी निकाल लीजिए बाहर में इंटू टू ए पर पावर फाइव बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, और कॉस पर कितना पावर हो जाएगा ये कॉस पर पावर फाइव बाई टू, यानी कॉस पर पावर वन बाई टू और प्लस फाइव बाई टू थीटा, यही पावर हो जाएगा डी थीटा, यानी सिक्स बाई टू यानी क्यूब हो जाएगा, और इस पर कितना टू ए पर पावर कितना हो जाएगा हाफ और प्लस वन, यानी एट बाई फाइव इंटू टू ए पर पावर कितना वन बाई टू और प्लस फाइव बाई टू, ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा फाइव प्लस वन एलसीएम लेंगे टू तो फाइव प्लस वन टू थ्री जा सिक्स, यानी कॉस क्यू थीटा डी थीटा, ये भी हो जाएगा टू ए पर पावर थ्री एट बाई फाइव इंटू टू ए पर पावर थ्री फाइव प्लस वन सिक्स बाई टू हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा इसका कॉस क्यू का क्या होता है और नंबर है यानी जीरो टू पाई बाई टू
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है n-1 n-5 3 n-5 डॉट 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 बाय n इंटू n-2 n-4 n-6 इंटू इफ इंटू पाई बाई टू इफ एन इज कस टू इवन नंबर, यहाँ तो ऑड नंबर है तो इसलिए पाई बाई टू मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज कस टू, ये हो जाएगा इसका 3-1 और 3-3 होगा ही नहीं तो i into 3 minus 2 n-2 होगा, दिस इज कस टू, ये हो गया हमारा दिस इज कस टू, क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 a³ 8 into 8 a³ by 5 into 2 by 3 3-1 2 by 3 या 3-2 1 हो जाएगा। अब क्या है कहीं कटने लायक नहीं है, नहीं कटने लायक, दिस इज कस्ट टू क्या हो गया 8 8 जा 64 2 जा कितना हो जाएगा 128 a³ by 5 3 जा 15 therefore v is equals to hence proved क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे वॉल्यूम एक दो क्वेश्चन वॉल्यूम बना करके उसके बाद हम एरिया शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एरिया 3-4 क्वेश्चन एरिया का है, हो सकता है 1-2 लेक्चर और हो, और 1-2 लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करने जाएंगे न्यू मॉड्यूल जो है ये वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, तो वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो ये सब सीखा हुआ रहेगा तो उसमें वो बनाने में मज़ा आएगा और इंटरेस्टेड होगा और बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अभी से ही अगर समझ में ये आ जा रहा होगा आएगा तो आगे आपको समझने में आसानी होगी और हमको भी समझाने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।